अभी आपको अहम खबर दें, इसराइली फजाइया ने ईरान में इस्फहान हवाई अड्डे के करीब कार्रवाई की है। इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। ईरान के 9 ठिकानों पर इसराइली अटैक हुआ है, ड्रोन और मिसाइल से किया गया है हमला। इसमें जीत मुसलमानों की होगी। आप इससे पहले देख ले इराक में, शाम में, इसके बाद अफगानिस्तान में देखे, मुसलमानों की ही जीत हुई है जहाँ भी हुई है, और इंशाल्लाह ये भी जीत मुसलमानों की होगी। अमेरिका को मुंह दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह जीत मुसलमानों की होगी। ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा कि वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट्स। तो उसमें अगर देखा जाए तो ये मुबालगा राय नहीं होगी कि कैलकुलेटेड स्ट्राइक थी, लेकिन उसके साथ देखा जाए तेहरान के अंदर इस वक्त माहौल क्या है, सामने आ रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगले चंद घंटों के अंदर क्या होने जा रहा है। हम ईरान के अटैक का जवाब देंगे। अब ईरान क्या करेगा और इसराइल क्या करने जा रहा है, ये बड़ी खौफनाक इस वक्त सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है। नहीं तो हमें इजाजत दे, हम लोग खुद जाते हैं, असले की भी टेंशन नहीं है, हमें गवर्नमेंट से भी रिक्वायर्ड नहीं है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एक दफा गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान कर दे तो अल्लाह के हुक्म से इसराइल का नाम दुनिया में नहीं लेगा कुछ। कहा जाता है कि तकरीबन 1 लाख के करीब ज्यूज हैं इंडियन ओरिजिन के इसराइल के अंदर। आपको बताएं कि अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के सूबे इस्फहान पर हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरान समेत शाम और इराक में शदीद धमाकों की आवाजें सुनी गई। हमले के बाद ईरानी सूबे इस्फहान में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। कोई बात नहीं, इसमें फिर जो नसीब है हम जान जाते जाए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, हम मौत से डर नहीं है चीज से, ठीक है। जो जुल्म है वो नहीं, उस पर चुप नहीं रहना चाहिए, हम गलत कर रहे हैं जो चुप है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, खामोश के, जिसके ऊपर अब दुनिया में सोचा जा रहा है कि ईरान क्या करेगा, क्योंकि ईरान ने भी ये कहा है कि उसके पास भी ऐसा हथियार है कि फिर वो जो करे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली जिसका इंतजार था वो हो गया। इसराइल के जितने भी समर्थन करने वाले देश थे और जितने भी लोग थे, वो चाहते थे कि इसराइल जल्द से जल्द ईरान के ऊपर हमला करे और बदला ले। नहीं तो दोस्तों कई इस्लामिक देश, खास करके पाकिस्तान और रेडिकल इस्लामिक देश, भारत में भी कई लोग ये कह रहे थे, खास करके रेडिकल इस्लामिस्ट लोग, खुल के मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे थे कि भाई इसराइल डर गया है, ईरान के ऊपर अब हमला नहीं करेगा, यही है इसराइल की पावर, इसराइल छोटे छोटे लेबनान, हमास, इन सबको मारता, ईरान से बदला लेके दिखाए तो मानेंगे। लो भाई बदला ले लिया, ठीक है, मिसाइल से हमला किया है और एक भी मिसाइल को ईरान रोक नहीं पाई। दोस्तों जब ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया था तो इसराइल ने 99% इनके हमलों को रोक लिया था, लेकिन जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो एक भी मिसाइल को रोक नहीं पाई ईरानी फोर्सेस। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि ईरानी फोर्सेस को पता भी नहीं चला कब ये मिसाइल इनके शहर में आके गिर गई। दोस्तों एक जो मिसाइल है वो इनके एयरपोर्ट के पास गिरी है, जिसमें बहुत भयंकर धमाका हुआ है, और कई मिसाइल जो है गिरी है ऐसे शहर में जहां ईरान न्यूक्लियर जो पावर बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे प्रोग्राम वहां पर रखे हुए हैं, वहां पर हमले किए। हालांकि जो इसराइल है उन्होंने कहा कि भाई हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट नहीं किया, ठीक है, जो नुकसान हम पहुंचाना चाहते थे वो हम पहुंचा चुके हैं और अब जाके हिसाब बराबर हुआ है। अब अगर ईरान हमला करता है तो फिर इसराइल, फिर यूएसए, फिर काफी देश इंगेज होंगे और किसका क्या नतीजा होगा वो तो भविष्य ही बताएगा, ठीक है। सो फाइनली जो है, जो बदला लेना था वो इसराइल ने ले लिया है और अब जो है हिसाब बराबर हो गया। अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे, इसराइल का ईरान के शहर इस्फहान पर मिसाइल हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है इस्फहान के शुमाली मगरबी इलाके में धमाका हुआ है। इन्होंने इनको पहले बताया था कि हम आप पर जो है वो हमला करेंगे, हम आपको जवाब देंगे, बेशक लेट हो गया लेकिन उन्होंने जवाब दिया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, अभी देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है जी, तो बाकी आपके सामने ही है सर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, अभी स्टार्ट ही है मेरी नज़र में तो, जहाँ तक मैंने न्यूज़ के हवाले से देखा है तो इन्होंने अभी स्टार्ट लिया है। जिस तरीके से इन्होंने अभी मिसाइल दागे हैं, आई थिंक कोई भी इतनी जल्दी और इतने ज़्यादा मिसाइल कोई भी नहीं प्रिपेयर कर सकता, तो इन्होंने आई थिंक ये स्टार्ट लिया है, मेरी नज़र में अभी कुछ करना इनका बाकी है। बता कर किया है इसराइल ने, ठोक दिया। इसराइल ने ऐसा किया क्यों, पहले करा क्यों? इसराइल ने इसलिए किया ये सब क्योंकि इसराइल को ये पता है कि आप हिजबुल्ला और हमास को मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए, आप और 10 साल तक मारते रहिए और पैदा होंगे ये, और पैदा होंगे, और पैदा होंगे, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन पॉपुलेशन दैट बिलीव्स इन दिस आइडियोलॉजी और वो पैदा होकर लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपको रावण की नाभि में तीर मारना है तो वो नाभि के अंदर जो कलश है ना, दैट इज ईरान। आप जब तक ईरान को नहीं ठोकेंगे आपको यहां पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये बात तय है। इसीलिए उन्होंने एक्शन लिया और उनको ये भी पता था कि ये लोग खुद हिजबुल्ला को आम कर रहे हैं और खुद यहां पे बैठे हैं। भाई जब आपको पता लग जाए आपका दुश्मन वहां पे है और आपका दुश्मन आपको अटैक करने वाला है तो आप क्या करेंगे, ठोक देंगे, ठोक दिया उन्होंने। और वैसे भी इसराइली ज्यादा बातचीत वातचीत नहीं करते, मैं मिल चुका हूं कई इसराइलियों से, उनका एक एटीट्यूड है अपने देश को लेकर,
एक एटीट्यूड है, जैसे कई बार इंडिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो कि ना बहुत कि विचार विमर्श कर लेते हैं, एक बार सोच लेते हैं हम लोग कि इसके नतीजे क्या होंगे, सोच लेना अच्छा है। वो इजरायली वैसे नहीं होता, वो कहते हैं कि एक बार काम करते हैं, पहले बम मार लेते हैं, एक बार बम मार के वापस आ जाएंगे तेल अवीव, फिर उसके बाद सोच लेंगे, बाद में शाम को बैठ के, शाम को हम फ्री हैं 2-3 घंटे, सोचेंगे शाम को, अभी तो बम मार देते हैं। उन्होंने ठोक दिया। अच्छा, ईरान ने बोला कि यू आर नॉट सेफ, ईरान ने बोला कि इसका बदला लिया जाएगा, इसकी जवाबी कार्रवाई होगी 110%। ईरान कह रहा है हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। मामला हाथ से निकल रहा है दोस्तों। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है, इनफैक्ट जो बाइडेन ने खुद बोला है, फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने वही बात रिपीट करी है। यूएस ने अपनी फोर्सेस मिडिल ईस्ट में बढ़ा दी हैं, पूरे इस एरिया में, और यूएसएस आइजनहावर जो उनका बहुत बड़ा 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके ऊपर करीब 90 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल इसराइल के सामने खड़ा कर दिया। पहले भी 1-2 एयरक्राफ्ट उनके वहीं पर झूल रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पे, और हजारों हजारों उनकी फौज है। अब मिसाइल का अटैक होता है तो ये लोग एक शील्ड प्रोवाइड करेंगे इसराइल को, और ये कांड होने वाला है दोस्तों। इसराइल ने क्यों हमला किया? इसराइल ने भी इसलिए हमला किया कि वो कह रहे थे आप हमास की मदद कर रहे हैं, इस पे उन्होंने किया था। ये मुसलमानों की ये निशानी होती है, कुछ भी नहीं होना, इसमें जीत मुसलमानों की होगी। आप इससे पहले देख लें इराक में, शाम में, इसके बाद अफगानिस्तान में देखें, मुसलमानों की ही जीत हुई है जहाँ भी हुई है, और इंशाल्लाह ये भी जीत मुसलमानों की होगी। अमेरिका को मुंह दिखानी पड़ेगी यहाँ पे भी, कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह जीत मुसलमानों की होगी। आपको लगता है ये मामला यहीं पे रुक जाएंगे, ये इसराइल जवाब देगा? ईरान तो तैयार है बिल्कुल, आए, उन्होंने तो कह दिया आपके अड्डों की बारी है, उन्होंने तो तैयारी में है, और जंग इंशाल्लाह जीतेगा ईरान ही जीतेगा ये जंग। ईरान ने कहा है कि जो इसराइल का साथ देगा वो अपने अंजाम का फिर खुद जिम्मेदार भी होगा। वो तो फिर बातों तक है, वैसे तो कर नहीं सकते अभी। यहाँ पे ये बताना जरूर चाहूंगा कि इंडिया के रिलेशनशिप, भारत के रिलेशनशिप ईरान के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और इसराइल के साथ उनके डिफेंस एग्रीमेंट्स भी मौजूद हैं। इस वक्त तकरीबन 18,000 के करीब भारतीय शहरी जो है वो इसराइल में है, और 10,000 के करीब इस वक्त ईरान के अंदर है। कोई बात नहीं, इसमें फिर जो नसीब है, हम जान जाते जाए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, हम मौत से डर नहीं है इस चीज़ से, ठीक नहीं है। जो जुल्म है वो नहीं, उस पर चुप नहीं रहना चाहिए, हम गलत कर रहे हैं जो चुप है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, खामोश। आप बताइए ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान देखे कुछ भी नहीं कर रहा, हमें अल्लाह ताला क्या सकते हैं, कुरान में वाज़ेह कहा जिहाद करो, ये जिहाद बनता है इधर हमारा, हम मुसलमान है, हम पे ये फर्ज है, अगर हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों बहनों पे जुल्म हो रहा है तो हमें इस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए था। ये हमारी फौज को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जैसे ईरान ने किया उन पे अटैक, हमें भी थोड़ा अपना इकदाम आगे बढ़ाना चाहिए इस मामले में, ठीक है। लेकिन हमास की और इसराइल की जंग तकरीबन 5-6-7 माह, शायद इससे भी कुछ टाइम ज्यादा ही हो गया होगा, स्टार्ट हुई है, इतनी देर बाद ईरान ने क्यों अटैक किया, क्या वजह समझते हैं? देखिए जी, ये जो अब उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कब तक बंदा कोई बर्दाश्त कर सकता है? ठीक है, मेरे ख्याल से 6 माह हम बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, ईरान ने कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा था, सारे अगर कोई बोलता भी था तो ऐसे बस बोल के चुप कर जाता था, जी ये गलत कर रहे हैं। ईरान ने ये चीज नहीं, ईरान को ये चीज तस्लीम नहीं हुई, उन्होंने अपना अटैक किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, और ये सबको ऐसे करना चाहिए। ऐसे जितने मुस्लिम कंट्रीज है, ये सऊदी है, पाकिस्तान है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, इनको करना चाहिए सबको साथ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया की तरफ से भी खबर आई है, जो कि हमारा नेबर कंट्री है और इसमें उभरती हुई पावर है पूरी दुनिया में इकॉनमी के हवाले से या ओवरऑल, ठीक है। उन्होंने, उनके फॉरन मिनिस्टर ने बोला कि हम चाहते हैं कि ईरान हो या दूसरी साइड हो, इसराइल हो, रशिया हो या यूक्रेन हो, दुनिया में जितने भी ये कंफ्लिक्ट चल रहे हैं वो खत्म हो, जंग बंदी हो, जंग खत्म हो, और पूरी दुनिया को अमन की तरफ लेके जाए। आपको नहीं लगता कि ये अच्छा स्टेप है, बजाय इसके कह रहे हैं मार दो, खत्म कर दो, यहाँ से हम भी मर जाए, वहां से वो भी मर जाए, ये बेहतर है, या उन्होंने जो बात की है वो बेहतर? ये बात सबसे पहले इसराइल को तो किसी ने नहीं समझाई, नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ईरान ये बात छोड़, जंग छोड़ दे, उन्होंने कहा दोनों साइड पे, उन्होंने ये बात पे देखे, ये बड़ी बात है कि इसराइल उठा है, ईरान उठा है, ये उठा हम सबको चाहिए था, लेकिन हम नहीं उठे। ये आपने कहा ना कि 6 माह चुप क्यों रहे हैं, ठीक है, 6 माह चुप रहे हैं, बाकी उनको 6 माह बाद होश आ गया, हमें तो अभी भी नहीं होश आई, नहीं 6 माह, उसके बाद 6 माह बाद भी जो होश आया ना, वो उनके 3 जनरल या बड़े हाई रैंक के ऑफिसर मारे गए हैं, जाने गए हैं उनकी ईरान की, जिसकी वजह से उन्होंने अटैक किया। अदरवाइज फलस्तीन पे तो 6 माह पहले से ये सब चीजें चल रही है, जैसे अब इन्होंने छोटी सी बात बताई है, मैं आज एक फेसबुक पे आज एक थोड़ी देर पहले देख रहा था, एक यूनियन बैठी है फॉरन ओवरऑल जो कंट्रीज में बैठी है, ओआईसी की शायद, ओआईसी की आई थिंक, वो ना ये जब ये फलस्तीन वाला मसला चला तो तब 6 माह मीटिंग को बैठने में लग गए थे। अच्छा, जब ईरान ने हमला किया तो फॉरन मीटिंग बैठ गई है, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस में भी एक कानून नहीं है, वो इसराइल को एक प्रॉपर कानून देते हैं, इसराइल को अहमियत देते हैं निस्बतन ओवरऑल कंट्रीज मुल्कों की, उसकी क्या वजह है पता नहीं। ये अब इनको देखना, जैसे अब देखना कि इंडिया ने बयान जारी कर दिया, क्योंकि अब ईरान ने हमला किया तो इंडिया को याद आ गया बयान देना,
कि जी सब अमन होना चाहिए, तो जब इसराइल कर रहा था तब नहीं बयान आया इंडिया। अच्छा नहीं, लेट्स सपोज़ आपने बोला कि भाई ईरान ने अटैक किया तो इंडिया ने स्टेटमेंट दिया, इससे पहले भी रशिया यूक्रेन की वार में बहुत पहले से इंडिया ने यह स्टेटमेंट दिया, हालांकि इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशन है रशिया के साथ और अच्छे रिलेशन है इवन ईरान के साथ भी, अच्छे रिलेशन है उनसे आय ले रहा है सैंक्शन के बावजूद, और उसके बाद इसराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है, वो तो किसी की साइड नहीं उस तरीके से लेता नजर आ रहा।